हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी व्लॉग्स। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत ही खुश होंगे अपने अपने फैमिलीज के साथ। तो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंजॉइंग वाला अपना ट्रिप वैष्णो देवी माता रानी का, जो मेरी फैमिलीज के साथ था और मेरी फैमिली के साथ था आपका मैरिज। तो आपके साथ मैं एज अ व्लॉग के थ्रू मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। आप इसको ब्लॉग कर लो या मेरा ट्रिप बोल लो। एक्चुअली कुछ वीडियोस जो हैं वो करप्ट हो चुकी थी, तो मैंने ढूंढ ढांड के अपनी सिस्टर से ली, अपनी वीडियो से ली, सबसे जैसे मिली मैंने वो एक ब्लॉग में इसको एडिट किया है। तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ देखिएगा। एक्चुअली जो मैंने शूट है वो शूट तो मैंने 7 मंथ पहले ही कर लिया था, लेकिन मैं इसको एज अ ब्लॉग में नहीं बना पा रही थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ये नहीं हो पा रहा था कि मैं बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी। पर मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि मैं ब्लॉग भी बनाया करूँ, एडिट किया करूँ, ब्लॉग डालो अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे। और मेरी सिस्टर भी मुझे काफ़ी प्रेशराइज़ कर रही थी। तो फाइनली वो दिन आ चुका है, मैंने ब्लॉग एडिट कर चुकी हूँ, बस अभी कुछ देर में आपके पास आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा और बहुत मोर देन कमेंट्स कीजिएगा। लेट्स गो, चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ हमारा वैष्णो देवी माता रानी का ट्रिप। लेट्स गो। जम्मू जा रहे हैं तो मतलब अभी हमने यहाँ स्टे करा, मतलब खाने के लिए तो हम आए हैं अभी झिलमिल। मैंने कहा खाना बहुत ही टेस्टी है एंड प्राइस भी इसने बोला ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है मतलब। एंड मैं आई अपनी फैमिली के साथ, मैं मिलाती हूँ अपने सिस्टर्स के साथ। हम बोथ आर माय सिस्टर्स। सो गाइस, अभी हम उतर रहे हैं, मैं रुकता हूँ, मैं रुकता हूँ कहाँ पता नहीं, बहुत हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे जीजू और अभी नवीन। तो अभी रेस्ट करना, थोड़ा रुके हुए हैं, मैं दिखाती हूँ। थोड़ा हम गाड़ी का भी रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि ट्रैवल मतलब हम कर रहे हैं गाड़ी से ही, वैष्णो देवी जा रहे हैं तो मतलब थोड़ा सेफली अगर हम रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गाड़ी से ट्रैवल करना था लंबा, तो गाड़ी को भी जैसे हमारी बॉडी को रेस्ट करना जरूरी है, ऐसे में गाड़ी को भी रेस्ट। मैं दिखाती हूँ आपको, मतलब हमारी ये थी हमारी गाड़ी और अभी हम जो है रेस्ट करा रहे हैं गाड़ी, चीज़ों किसी से बात कर रहे हैं ये एंड इज माई सिस्टर, मतलब अभी ये ट्रैवलिंग कर रही है, आप देख सकते हो। अभी हम पता नहीं कहाँ पर है, तो नो पता नहीं। सो गाइस, अभी हम लुधियाना पहुँच चुके हैं एंड बताऊँ तो अभी आपको मैं, अभी हम सब लोग उतर चुके हैं क्योंकि अभी सब लोग ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे बैठे बैठे, तो अभी सब लोग उतर चुके हैं, थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं कुछ। मोनिका बड़ी भी, मोनिका जी को भी आगे जाके थोड़ा वॉक कर रही, तब तो मेरे साथ ही है, आप देख सकते हो देवी मेरे साथ और जीजू एंड अभी पेट्रोल फिल करवा रहे हैं, और तो हम थोड़ी वॉक कर लेते हैं ताकि हमारी आगे जाने की थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। अभी हम लुधियाना पहुँचे हैं, लुधियाना का पेट्रोल पम्प है कोई, अभी हम यहाँ पर है क्योंकि अब इसके बाद अब तो ट्रैवल स्टार्ट करना है, उसके बाद हमें खाना खाना है। आगे मिलते हैं आपको ढाबे पे, कोई अच्छे से ढाबे पे। ओके बाय। हेलो गाइस, नाउ अब हम दोबारा रुके हैं खाना खाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि खाना खाना रुकेंगे अब। तो अभी हम खाना रुके हैं यहाँ पर, ये है पंजाबी वैष्णो ढाबा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत प्यारा सा व्यू जो आप मेरे पीछे देख रहे हो गए थे उसको, मतलब इसको बहुत प्यारा लग रहा है। धूप है, गेहूँ है शायद से, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग सब रुके हैं खाना खाने के लिए, वैसे तो हम लोग खाना खा के लाए थे घर से ही लाए थे, बट ये था कि थोड़ा ढाबे पे बैठ के खाएंगे तो बेटर रहेगा, अगर मंगवाना है ऑर्डर करना होगा तो हम ऑर्डर करके मंगवा भी लेंगे। तो अभी सब लोग बैठे हैं, देखते हैं, चलिए खाना खाते हैं। सो गाइस, अब हमने खाना वाना खा लिया है एंड अब हम जा रहे हैं सीधा बटरा आगे तक, क्या अब हम सीधा रुकेंगे होटल पे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है टाइम के अकॉर्डिंग, वैसे लेट 6-7 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। तो अब आपको हम मिलते हैं कट्टा में अपने रूम में। ओके बाय। सो माय फ्रेंड, अभी हम लोग खाना खाने के उतरे थे और खाना खा लिया है यहाँ पे, भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, बहुत तेज़ हालत ख़राब हो गई थी भूख से मेरी और मेरी वाइफ की भी। तो अभी हम खाना खा के अब यहाँ से पठानकोट के लिए चलेंगे,
अभी हमारे भाई साहब साथ में गाड़ी साफ कर रहे हैं ये इधर और मेरे भाई साहब गाड़ी साफ करते हुए और आप लोग यहीं से चलेंगे जीजू ये रेडी कर जीजू का गाड़ी क्योंकि गाड़ी फोकस पूरा गाड़ी पे है 400 की चल चुकी है जीजू का गाड़ी पूरा फोकस गाड़ी पे है और हम लोग अभी हां चलो चलो तो चलो निकलते हैं यार बाय 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 गाइस स्टॉक शब्द सुनते हैं स्टार्ट हो गया मुरली का आना अभी चलेंगे गाइस को संदुखड़ी दा होके रह गया दिल साडा खौरी केड़े राही पे सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स बट हम जा तो रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंट पर पता नहीं बिना मास्क अलाउड होगा कि ना बिकॉज हम तीनों बहनों में से किसी ने भी मास्क वेयर नहीं कर रखा और मुझको नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर बिना मास्क की एंट्री होगी क्योंकि यहाँ पर सैनिटाइजर और वॉचमैन ने भी मास्क लगा रखा है तो मुझको नहीं लगता कि बिना मास्क की एंट्री होगी और हमारे पास मास्क नहीं है बट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का अभी हमने बर्गर और आइसक्रीम ऑर्डर किया है एंड ये देखो हमारे साथ इन दोनों मेरे सिस्टर्स को ये लोग क्या कर रहे हैं हम देख सकते हैं तो मतलब साथ में हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया बहुत फन किया और अभी मतलब रस्ते हम सो भी गए थे गाड़ी के अंदर ही सब सो गए थे बस आगे जीजू और अभी जो है वो ड्राइव कर रहे थे बहुत दिन सो गए थे तो हमारा थोड़ा सा रेस्ट उनको मिल चुका है एंड बाकी की बात मैं आपसे आगे करती हूँ फाइनली हम जम्मू पहुंच गए हैं एंड यहाँ का वेदर बहुत मतलब मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ी ठंड है वैसे यहाँ पर अभी हमको करीबन करीबन एक या डेढ़ घंटा लगेगा बट उससे पहले एक बैड न्यूज़ है कि हमारी गाड़ी का जो है पंचर हो चुका है एंड हम सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं सी तो देखिए अंकल ले मतलब पेट्रोल पंप पे हैं तो ये अंकल जी से हम पेट्रोल मतलब ठीक करवा रहे हैं और हमारी गाड़ी का पंचर भी हैं अभी और मोनिका दी घूम रही है तनु से बोर हो रही है मैं मिलती हूँ आपसे होटल में फाइनली ओप सो अब कुछ प्रॉब्लम ना हो सीधा हम रूम में उतरे और मैं आपको फिर अपने मजे के अपने रूम्स और वहाँ का व्यू आपके साथ शेयर करूँगी भाषा है ये मिट दे एक शक्ति का दान है ये अवतार नहीं है ये इंसान है शक्तिमान 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 यार वो लोकल वाला ट्रेन वाला वो लोकल वाला अच्छा लोकल जो आता है जैसे दसवीं वाला दसवीं पास वाला हाँ, वो वैसे माइक पकड़ा हाँ। वो भी जो दौड़ते दौड़ते आएगा एकदम ठीक है आते के साथ है माइक पे जो मार माइक पे तो मैसेज पहुंच जाएगी किसी भी तरह करके वो वहां से बोलो एकदम स्पीड में यात्री का कृपया ध्यान दें 1256 गाड़ी जो उद्यम से उद्यमपुर से चलेगा सब्जी मंडी तक जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ रही है और कंप्यूटर वाली उसका कंप्यूटर मे आई हेल्प योर अटेंशन पूरा तो बोलो 6 7 8 9 जम्मू तवी एक्सप्रेस अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पिंग पॉंग